हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 16 जून के करंट अफेयर। आज सुबह में आपकी क्लासेस नहीं आ पाई क्योंकि कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो आज हम लोग इसकी क्लासेस शाम को लेने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि भारत ने COVID-19, मलेरिया और गठिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली किस दवा के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा से अभी इसके निर्यात से प्रतिबंध को हटा लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र ने COVID-19 के चलते दुनिया के कितने करोड़ लोगों के गरीबी के गर्त में जाने की आशंका जताई है। तो 4.9 करोड़ लोगों को गरीबी के गर्त में जाने की आशंका लगाई गई है। फिर हमारा कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 में यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है, IISc बेंगलोर। ठीक, फिर हमारा कि फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है, तो बेल्जियम है शीर्ष पर, उसके बाद है फ्रांस, और अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत 108वें नंबर पे है। ठीक, अगला हमारा कि किस राज्य सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए शुरू किया है बाल श्रमिक योजना। तो इसको शुरू किया किसने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको शुरू किया है। उसके बाद है हमारा कि किस राज्य सरकार ने घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं की सहायता करने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए स्त्री नामक कार्यक्रम शुरू किया है। तो हैदराबाद की सरकार ने इसको शुरू किया है। फिर हमारा कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी मूल के व्यक्ति ने वर्ल्ड फूड अवार्ड जीता है, तो रतन लाल ने जीता है। और आपको पता है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है, तो 7 जून को मनाया गया है विश्व खाद्य दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड से है कि वहाँ का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया है, हल्द्वानी में। नेक्स्ट हमारा कि बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जून को मनाया जाता है। और अगला हमारा कि लोनार झील जो कि भी चर्चा में आया था, वहाँ का पानी पिंक हो गया था, तो ये किस राज्य में स्थित है, ये स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की, US मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला कौन है। तो इनका नाम है अनमोल नारंग। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, इन्होंने न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में 4 साल की डिग्री कंप्लीट किया है और डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में शनिवार को उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी। याद रखिएगा, वह अमेरिकन एयरफोर्स में सेकंड लेफ्टिनेंट का पद संभालेंगी, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा, पाकिस्तान ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के रक्षा बजट में कितनी बढ़ोतरी किया है, तो 12% की बढ़ोतरी किया है। अच्छा, एक न्यूज़ और सामने आई है कि अगर परमाणु हथियार की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो चाइना के पास है। इसके बाद अगर चाइना भारत और पाकिस्तान का कंपेयर करें तो चाइना और पाकिस्तान से कम परमाणु हथियार है भारत के पास। ठीक है, ज़्यादा कम नहीं है लेकिन है कम। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं कि पाकिस्तान की सरकार इमरान खान ने, इन्होंने 12 जून को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए बजट पेश किया, जिसमें कुल बजट 7,140 अरब पाकिस्तानी रुपए का है। पाकिस्तान ने क्या किया कि अपना जो रक्षा बजट है इसको 12% बढ़ा दिया है और 1,300 अरब पाकिस्तानी रुपए कर दिया है। ठीक, अगर हम लोग इंडियन इसको करेंसी में कन्वर्ट करें तो 59,800 करोड़ रुपये ये होगा। अब एक संस्था है सिप्री जो कि डिफेंस से रिलेटेड आंकड़े जारी करती है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रक्षा बजट की बात हो रही है। ठीक, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा रक्षा बजट किस देश का है, अमेरिका का है, 732 अरब डॉलर। दूसरे स्थान पर चाइना का है, 261 बिलियन डॉलर। तीसरे स्थान पर भारत का है, 71.1 बिलियन डॉलर। और चौथे स्थान पर रशिया का है, 5वें स्थान पर सऊदी अरब का है। अगला क्वेश्चन हमारा, नेपाल को लेके एक मामला सामने आया था कि वो अपने मैप में भारत के कुछ हिस्सों को दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को कि किस संधि को आधार बता करके नेपाली संसद के निचले सदन ने इस भारत के हिस्से को नए मैप में दिखाने का संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित किया है। तो ये किया गया किसमें, सुगौली की संधि 1816 में इसको बताया गया है। यह ट्रीटी कब हुई थी, 1816 में हुई थी, किसके बीच हुई थी, ब्रिटिश भारत ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के किंगडम के बीच में हुई थी यह संधि। अभी क्या है, इसी को आधार बना करके
उन्होंने भारत के कुछ हिस्सों को अपने मैप में शामिल करने की बात किया है। अभी यह संशोधन जो प्रस्ताव है ये उच्च सदन में जाएगा और बाद में संवैधानिक रूप से इसको मान्यता मिलेगी। वो कौन से हिस्से हैं, तो क्वेश्चन आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के 3 क्षेत्र हैं, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी। इन इलाकों को नेपाल ने अपने मैप में दिखाया है, याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, उत्तराखंड की बात आई है तो एक क्वेश्चन और याद रखिएगा। एक तो चौथा जो जैव विविधता पार्क है ये सबसे बड़ा है, कहाँ पे बन रहा है, हल्द्वानी में बन रहा है उत्तराखंड के। और दूसरा है कि उत्तराखंड ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है चामोली जिले के गैरसैंण को। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम से कितने करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? 45,000 करोड़। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, इसको याद रखिएगा। देख लेते हैं इसके बारे में। इसके तहत, इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 8 गीगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट करेगी ये कंपनी। कंपनी वही 2 गीगावाट के अतिरिक्त सोलर सेल और मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता की स्थापना करेगी। इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ 2025 तक 25 गीगावाट उत्पादन क्षमता तैयार करेगी और अगले 5 वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 1,12,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना भी है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से जीवनकाल में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 90 करोड़ टन की कमी आएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। अच्छा, अडानी ग्रुप जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया उसके अध्यक्ष कौन है? गौतम अडानी है। हेडक्वार्टर कहाँ है? अहमदाबाद है। और स्थापना हुई है 20 जुलाई 1998। अगला क्वेश्चन हमारा कि पूर्वी नौसेना कमान में नए चीफ ऑफ स्टाफ पर किसकी नियुक्ति की गई है? तो इस पद पर विश्वजीत दास गुप्ता की नियुक्ति की गई है। ठीक, वाइस एडमिरल दास गुप्ता ने 12 जून को विशाखापट्टनम में कार्यभार संभाला और किसकी जगह लिया? तो वाइस एडमिरल SN घोरमाड़े की जगह इन्होंने लिया है। विश्वजीत दास गुप्ता को 1985 में भारतीय नौसेना में तैनाती मिली थी। अच्छा, इस समय हमारे चीफ कौन है नेवल स्टाफ के? तो एडमिरल करमवीर सिंह हैं। और वाइस चीफ कौन है? जी अशोक कुमार, याद रखिएगा। तो इसके बाद आ जाता है ऐप। तो जिन लोगों ने ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया वो ऐप को डाउनलोड करके रेटिंग और रिव्यू जरूर कर देंगे, बाकी सारे स्टडी मटेरियल आपको ऐप के थ्रू मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार। तो आपको पता है कि जनवरी से देखें तो लगातार ये बढ़ रहा है और पहली बार ऐसा हुआ है कि ये $500 बिलियन को पार कर चुका है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, याद रखिएगा इसको। यहाँ पे इस सप्ताह 5 जून को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया? $501.70 अरब। ठीक, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पे है और चीन इसमें पहले स्थान पे है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने आईफ्लू नाम से एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू किया? तो ये किसने शुरू किया है? महाराष्ट्र ने शुरू किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, इस चेतावनी प्रणाली को संयुक्त रूप से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और बृहन मुंबई नगर निगम द्वारा विकसित किया गया है। यह 6 से 72 घंटे पहले संभावित बाढ़ संभावित क्षेत्रों को अलर्ट को रिले कर देगा। इससे क्या होगा कि वेरिफिकेशन हो सकेगा या लोग जो भी उससे अच्छे कदम होंगे उसको उठा सकते हैं इससे बचने के लिए। ठीक, और चेन्नई के बाद मुंबई ऐसा करने इस प्रणाली को लाने वाला दूसरा राज्य है। अगला क्वेश्चन हमारा कि कोरोना की वजह से हाल ही में किस राज्य सरकार ने शनिवार और रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश पर लॉकडाउन चालू कर दिया है? तो ये किया है पंजाब की सरकार ने, वहाँ के CM हैं अमरिंदर सिंह। उन्होंने कहा कि अब एक बहुत ही सख्त कदम हमें लेना होगा क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ ज़रूरत की और दवाइयों की दुकानें खुलेंगी जैसे कि लॉकडाउन में होता था। इसके अलावा अगर किसी को बाहर जाना है तो पास चाहिए और पास के लिए कोवा ऐप से ई पास डाउनलोड करना होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार इसको मनाया गया था 2004 में जिससे कि रक्तदान को बढ़ावा दिया जा सके और जब भी किसी व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत हो, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह में अक्सर क्या होता है, ब्लड लॉस होता है और तुरंत ब्लड चढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो उसमें ब्लड की उपलब्धता हो,
क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 जून को ब्लड ग्रुप का पता लगाने वाले कार्ल लैंड स्टीनर का जन्मदिन होता है। 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था और इन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर इसको मनाया जाता है। अगला हमारा कि आनंद मोहन जुत्सी उर्फ गुलजार देहलवी का निधन 12 जून को हो गया। वह क्या थे? तो यह एक उर्दू शायर थे, ठीक है जी। इनको COVID-19 का संक्रमण हुआ था, इसके बाद ये इससे निकल भी गए थे, लेकिन बाद में इनका निधन हो जाता है, ठीक, याद रखिएगा। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ PDF आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लॉग पढ़ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।